अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राय हदाई टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातम नबीयीन बनाया। दोस्तों, जहां दज्जाल का जिक्र खत्म होता है वहीं हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में दोबारा आने का जिक्र मिलता है, यानी क़यामत की बड़ी निशानियों में से दूसरी बड़ी निशानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाना है। इस बात में किसी किस्म का शक नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत पसंदीदा नबी और रसूल हैं। तो दोस्तों, अल्लाह की मदद और नुसरत से राय हदायत की इस सीरीज़ फ़ाइनल प्रोफेसीज़ की एपिसोड नंबर 5 में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक को हम तफसीलन डिस्कस करें, इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, यानी पहला हिस्सा। सबसे पहले हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। फिर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा इस ज़मीन पर क्यों तशरीफ़ लाएंगे। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कुरान पाक की उन आयात को भी डिस्कस करेंगे कि जिनसे हमें पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। और मेरी नज़र में ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल के कुछ उलमा का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और वो दोबारा नहीं आएंगे। और आखिर में हम दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जंग के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी नेकी और इबादत की वजह से बहुत मुमताज़ हैसियत रखती हैं। रब अज़ीम इन्हें अपने पास से पाकीज़ा रिज़क अता फरमाते थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ज़िक्रिया जब भी इबादत खाने में दाखिल होते तो इसके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें पाते। वो कहते कि ऐ मरियम, तेरे पास ये कहाँ से आई? वो कहती कि यह अल्लाह की तरफ से आई है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़क देता है। दोस्तों, मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद के एक हुजरे में इबादत में मशगूल रहती जहां इनके अलावा किसी को दाखिल होने की इजाज़त ना होती। एक दिन फरिश्ते ने आकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक खुशखबरी सुनाई कि ऐ मरियम, अल्लाह ने तुझे अपने पसंदीदा लोगों में शामिल कर लिया है और तुझे पाक कर दिया है, सारे जहान की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया है। ऐ मरियम, तू अपने रब की अताअत कर और सजदा कर और रकू करने वालों के साथ रकू कर। अल्लाह पाक ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इस ज़माने की तमाम ख़वातीन में सबसे आला मकाम पर फ़ाइज कर दिया और इन्हें चुन लिया कि इनके यहाँ बिन खावंद के एक बेटा पैदा होगा जो नबी होगा। और साथ ही ये खुशखबरी भी दे दी कि वो माँ की गोद में और पुख्ता उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से गुफ्तगू करेगा, यानी वो अपने बचपन में लोगों को अल्लाह वादहु ला शरीक की इबादत की तरफ दावत देगा, इसी तरह वो बड़ी उम्र में भी इन्हें इबादते इलाही की तरफ बुलाएगा। दोस्तों, जब ये खुशखबरी सुनाई गई तो सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई कि बगैर बाप के बच्चा किस तरह पैदा होगा, इनका कोई शोहर ही नहीं तो बच्चा कैसे होगा। फरिश्ते ने इन्हें बताया कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है, वो जब किसी काम का इरादा कर लेता है तो फकत ये कहता है हो जा तो वो हो जाता है। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया। इन्हें अंदाज़ा हो गया कि इस काम में वो एक बड़ी आजमाइश से दोचार होने वाली है। इसी तरह वक़्त गुजरता गया, वो मस्जिद और इबादतगाह से सिर्फ अपने अयाम खास में बाहर निकलती या फिर इस वक्त जब इन्हें मस्जिद से बाहर पानी लेने या खाना लेने की ज़रूरत होती। एक रोज़ वो ऐसे ही किसी ज़रूरत के तहत मस्जिद से निकली और इसी वक्त अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा जो इनके सामने एक आदमी की शक्ल में ज़ाहिर हुए। दोस्तों, जैसे ही इनकी निगाह इस आदमी पर पड़ी तो बेइख्तियार बोल उठी, मैं तेरे से अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ और आपको एक पाक लड़का अता करूँ, यानी डरे नहीं, मैं कोई बशर नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का फरिश्ता हूँ। मुझे अल्लाह ने आपकी तरफ भेजा है कि आपको एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ।
हजरत मरियम कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बात तो यही है लेकिन अल्लाह पाक का इरशाद है कि ये मुझ पर बहुत आसान है, यानी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि वो तुमसे एक बेटा पैदा करेगा। ये काम इसके लिए बहुत मामूली है क्योंकि वो हर एक चीज पर कादिर है। इसके बाद हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर भूख मारी, जिससे वो फौरन हमला हो गई और वहां से वो एक दूर जगह चली गई। इसके बाद एक खजूर के तने के पास वो आई और कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर चुकी होती और लोग मुझे भूल जाते। मरियम अलैहिस्सलाम को अंदेशा था कि लोग इनकी बात को सच नहीं मानेंगे और इन्हें झूठा कहेंगे, बल्कि जब वो इनके हाथ में इस न्यू बॉर्न बेबी को देखेंगे तो इस पर बदकारी का इल्जाम लगाएंगे। हालांकि वो इनके नजदीक मस्जिद में रहने वाली एक नेक खातून थी और इनका ताल्लुक नबुवत वाले खानदान से था, इसलिए वो तमन्ना करने लगी कि ऐ काश वो इस हाल में पहुंचने से कबल ही मर चुकी होती या फिर पैदा ही ना हुई होती। इतने में फरिश्ते ने पीछे से आवाज दी कि तेरे रब ने तेरे नीचे से चश्मा जारी कर दिया है और तू खजूर का तना अपनी तरफ हिला, वो तुझ पर ताजा पकी हुई खजूरें गिराएगा, चुनाचे तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर, फिर अगर तू इंसानों में से किसी को देखे तो इससे कह देना कि बेशक मैंने अल्लाह के लिए चुप रहने के रोजे की नजर मानी है, लिहाजा आज मैं किसी इंसान से हरगिज कलाम नहीं करूंगी। दोस्तों, जब मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपनी कौम की तरफ आईं तो बातें बहुत शिद्दत इख्तियार कर गईं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मरियम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया, यानी मुझसे सवाल ना करो बल्कि इसी बच्चे से पूछ लो। तो वो कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बातें कर सकते हैं, यानी तुम जवाब को इस बच्चे के सुपुर्द कर रही हो जो अभी गोद में दूध पीता है और कुछ नहीं जानता। दोस्तों, इसी मौके पर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलने की ताकत अता फरमाई। वो बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया और इसने मुझे बाबरकत बनाया, जहाँ भी मैं हूँ और जब तक मैं जिंदा रहूँ मुझे नमाज जकात की पाबंदी का हुक्म दिया है और अपनी वालदा से नेकी करने वाला बनाया है और इसने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया और सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। दोस्तों, एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम जैसी है कि अल्लाह ने इसे मिट्टी से पैदा किया, फिर इसे कहा हो जा, तो वो हो गया। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिशारत दी, इरशाद इलाही है। और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा कि ऐ बनी इसराइल, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, इस किताब तौरात की जो मुझसे पहले है तस्दीक करने वाला हूँ और एक रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा, इसका नाम अहमद होगा। फिर जब वो रसूल इनके पास खुली निशानियों के साथ आया तो वो बोले, ये तो खुला जादू है। दोस्तों, इसी तरह वक़्त गुजरता चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी में पहुंचे, इन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ तबलीग देना शुरू की, लेकिन कौम जो जहालत के ऐसे अंधेरों में रहने की आदी थी, जो अपने नबी की बात मानना तो दूर इन्हीं की जान लेने के पीछे पड़ जाती थी, सच्ची बात को छुपाना और नबियों को कत्ल करना गोया हर वो काम ये उम्मत कर चुकी थी। यह आपको बताता चलूं कि जिस दौर में अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा वो दौरे तिब और साइंसी दौर कहलाता था, इसलिए अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मौजज़ात भी वैसे नवाजे। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश किसी मौजज़े से कम नहीं थी। इसी तरह गारे से परिंदे की सी मूरत बनाना और फिर इसमें फूंक मारना और अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाना, पैदाइशी अंधे को अल्लाह के हुक्म से आंखें अता कर देना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मुर्दों को फिर से जिंदा कर देना, ये सब मौजज़े अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए, मगर अफसोस बनी इसराइल इनको जादू के सिवा कुछ नहीं समझते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के बावजूद इन्होंने मकर फरेब से काम लेना शुरू कर दिया, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और इन्होंने मकर किया तो अल्लाह ने भी ताबीर की और अल्लाह सबसे बेहतर ताबीर करने वाला है। जब अल्लाह ने कहा कि ईसा बेशक मैं तुझे पूरा ले लूँगा और अपनी तरफ उठा लूँगा और इन काफरों से तुझे पाक कर दूँगा और जिन लोगों ने तेरी पैरवी की इन्हें काफरों पर क़यामत तक गालिब रखूँगा।
और इसी तरह दूसरी जगह यूं इरशाद फरमाया, और इनके ये कहने की वजह से कि हमने अल्लाह के रसूल ईसा बिन मरियम को कत्ल किया, हालांकि इन्होंने ना इन्हें कत्ल किया और ना इन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि इन्हें डाउट्स में डाल दिया गया, और बेशक जिन्होंने ईसा के बारे में इख्तलाफ किया वह जरूर इनके मुतल्लिक शक में है। इन लोगों के पास इनके बारे में कोई इल्म नहीं सवाए गुमान की पैरवी के, और इन्होंने यकीनन इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। दोस्तों, यूं अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नींद तारी करके इन्हें अपनी तरफ उठा लिया और इन्हें इन यहूदियों की अजियत से बचा लिया, जिन्होंने इस जमाने के एक काफर बादशाह के पास चुगली करने की कोशिश की थी। बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने और इन्हें सूली पर लटकाने का हुक्म जारी कर दिया। इसके लिए इन्हें बैतुल मुकद्दस के एक घर में कैद कर दिया गया था। जब वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए उनके पास पहुंचे तो अल्लाह ताला ने वहाँ मौजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक हवारी की शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया। सिपाही घर में दाखिल हुए और इन्होंने इस नौजवान को ईसा अलैहिस्सलाम समझकर पकड़ लिया, इसे सूली पर चढ़ा दिया और इसकी तौहीन करने के लिए कांटों का एक ताज इसके सर पर रख दिया। दोस्तों, यहूदियों के इस दावे को आम ईसाइयों ने भी तस्लीम कर लिया, हालांकि इनमें से किसी एक ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ते हुए ना देखा था। इस गलत अकीदे की वजह से ईसाई वाजे गुमराही में मुब्तला हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त आसमानों में जिंदा हैं। इनकी जिंदगी जिस्म और रूह के साथ हकीकी जिंदगी है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ उलमा ये नहीं मानते, वो मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है। इंशाल्लाह हम फाइनल प्रोफेसीज की नेक्स्ट एपिसोड पे इस टॉपिक पर तफसीलन बात करेंगे। तब तक अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दज्जाल कौन है, इस वक्त कहाँ है, तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा।